जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय चर्चा में है 90 के दशक के सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण ने इतने वर्षों बाद भी पुनः प्रसारण के दौरान टीआरपी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आज भी रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा और अलिफ लैला जैसे सुप्रसिद्ध धारावाहिक चर्चा में हैं। हमने टीवी धारावाहिकों रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा और अलिफ लैला के काफ़ी सारे अभिनेताओं के जीवन पर रोचक वीडियोज़ बनाकर आप सबको उनसे अवगत कराया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कलाकार के बारे में जो किरदार करते समय उसमें पूरी शिद्दत के साथ लीन हो जाता है। हम बात करने जा रहे हैं रामानंद सागर कृत श्री कृष्णा के सुदामा और श्रीणी के साई बाबा के किरदार को निभाने वाले कलाकार के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर भी करना, जिससे हम आपको और भी अच्छे वीडियो प्रस्तुत कर सकें। वीडियो में कुछ और सुधार चाहते हैं तो जरूर बताएं। रामानंद सागर कृत श्री कृष्णा धारावाहिक में सुदामा और अश्वत्थामा और श्रीणी के साई बाबा धारावाहिक में साई बाबा के किरदार को जीवंत किया था अभिनेता मुकुल नाग जी ने। मुकुल नाग जी का जन्म 25 अक्टूबर 1961 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम सुकुमार नाग और माता जी का नाम अमिता नाग है। उनका बचपन अपनी नानी के यहाँ मेरठ में गुजरा है। जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने खुद ही एक प्ले निर्देशित किया था जिसका नाम था तैमूर और बालक। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय में डिप्लोमा किया। मुकुल नाग जी भारत के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक थे। डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने बहुत सारे थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए और प्ले किए। इसी दौरान उनको प्ले के एक डायरेक्टर ने फिल्मों में कोशिश करने के लिए कहा, जिसके चलते वो मुंबई आ गए। यहाँ उन्हें पापा जी यानी कि रामानंद सागर जी ने श्री कृष्णा में भक्त सुदामा का किरदार निभाने को कहा। श्री कृष्णा धारावाहिक में मुकुल जी ने तीन किरदार निभाए हैं, सुदामा का किरदार, दूसरा ब्राह्मण का किरदार और तीसरा अश्वत्थामा का किरदार। ये तीनों ही किरदार उन्होंने बखूबी निभाए। यहाँ से उनके काम को सम्मान मिला और इसी के चलते उन्हें श्रीणी के साई बाबा में साई बाबा का मुख्य किरदार मिला। श्री कृष्णा और श्रीणी के साई बाबा दोनों ही धारावाहिक को प्रोड्यूस किया था रामानंद सागर जी ने। जहाँ धारावाहिक श्री कृष्णा 1994 में तो वहीं धारावाहिक श्रीणी के साई बाबा 2003 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। ये उनके काम और लगन का नतीजा था। श्रीणी के साई बाबा धारावाहिक में उन्हें जबरदस्त पहचान मिली। अब बात करते हैं कि उन्हें किरदार मिले कैसे। सबसे पहले बात करते हैं भक्त सुदामा जी के किरदार की। तो जब इन्हें सुदामा जी का किरदार मिला तो ये हंस पड़े, क्योंकि सुदामा तो दुबले पतले थे और ये हष्टपुष्ट थे। इन्हें लगा पता नहीं सुदामा का किरदार निभेगा भी या नहीं। आखिरकार इन्होंने सुदामा के किरदार के लिए हामी भरी। जिस समय इनको एक किरदार करना था उस समय इनके सिर के बाल बड़े बड़े थे। जब इनको तैयार किया गया शूटिंग के लिए इन्हें वह लुक पसंद नहीं आया। ये बिना किसी को बताए गंजे होकर आ गए। गंजे होकर वापस पहुँचे तैयार होने। पहनने को जो धोती मिली थी वो धुली हुई थी। इनको लगा सुदामा जी तो गरीब थे तो इन्होंने उस धोती को ज़मीन में रख कर अपने पैरों से रगड़ रगड़ के गंदा कर दिया। और इसके बाद जब ये तैयार होकर सेट पर पहुँचे तो मोती सागर जी को लगा कोई भिखारी अंदर आ गया है। उन्होंने बोला, ये भिखारी अंदर कैसे आए, इसे बाहर निकालो। फिर जब उन्हें पता चला कि ये तो मुकुल नाग जी हैं तो वो हंस पड़े। इस प्रकार से उन्होंने सुदामा का किरदार किया। और अब बात करते हैं साईं बाबा के किरदार की। तो मुकुल नाग जी ने साईं लीला टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पापा जी यानी कि रामानंद सागर जी ने साईं बाबा का किरदार देने से पहले मुझसे पूछा था कि कैसे कर रहे हो इस किरदार को। इसके उत्तर में मुकुल जी ने कहा कि मैं अपने काम को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करूँगा। साईं बाबा किरदार के लिए इन्हें करीब 4 ऑडिशन और 3 लुक टेस्ट देने पड़े थे। वो साईं बाबा के जीवन से जुड़ी सारी पुस्तकें पढ़ चुके थे। उनको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। बार बार ऑडिशन से उन्हें लग रहा था कि पता नहीं उन्हें किरदार मिलेगा भी या नहीं। आते जाते रास्ते में साईं मंदिर पड़ता था। वहाँ वो रोज़ प्रार्थना करते थे कि ये किरदार करवा दो। कभी बोलते थे कि किरदार तो मैं ही करूँगा। साईं बाबा का सेट बड़ौदा में लगा था। जब पहला टेक होना था तो उसमें बहुत समय लगा और जब पहला टेक फाइनल हुआ तो कैमरामैन भी उनके अभिनय को देखकर रो पड़ा। यहाँ से उन्हें हिम्मत मिली और पूरा धारावाहिक संपूर्ण हुआ। इसी दौरान उन्होंने 1997 में प्रसारित हुए ब्योमकेश बख्शी टीवी धारावाहिक में उन्होंने एपिसोड सही का कांटा में प्रबल गुप्ता का किरदार निभाया था। बॉलीवुड में उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, जैसे वर्ष 2005 में अपहरण जो कि अजय देवगन जी की थी, वर्ष 2003 में सत्ता, वर्ष 2002 में कंपनी, वर्ष 1999 में मस्त और वर्ष 1998 में 1084 की माँ, वर्ष 2015 में फैंटम, 2003 में गंगाजल और सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। मुकुल नाग जी का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है
वो अपने बैनर के तले जर्ब प्रहार शब्दों का नामक फिल्म बना चुके हैं, जिसके लिए वर्ष 2017 में NMIFF और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ प्रयाग की तरफ से उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। मुकुल नाग जी एक भारतीय अभिनेता हैं, उन्हें बेहतरीन कलाकारी के लिए जाना जाता है। बात करें अगर निजी जीवन की तो उन्होंने इंदिरा मिश्रा जी से विवाह किया था। इस विवाह से उनके दो लड़कियां भी हैं जिनके नाम पाखी नाग और प्रेम बदा नाग है। आस्था की बात करें तो उनके आराध्य श्री कृष्ण हैं, लेकिन उनका जीवन साईं बाबा से भी प्रभावित है और उन्हें भी अपनी जिंदगी में उतार चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।